इलेक्ट्रिक स्कूटी ढूंढ रहे हो, डोंट वरी, मैं आपको टनवाल की कुछ बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटीज दिखाने वाला हूँ। यहाँ काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक स्कूटीज मौजूद हैं जो टनवाल कंपनी की हैं और आपको इसमें सस्ती से सस्ती भी स्कूटी मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आपको टनवाल की बेस्ट स्कूटीज हैं, टनवाल कंपनी के हैं ये सारे। यहाँ से आप देखें, ये देखिए, और कुछ बाहर भी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो हमारे साथ हैं नदीम भाई। नदीम भाई, अपने पास सबसे सस्ता स्कूटर टनवाल का कौन सा होगा? इस समय हमारे पास सबसे सस्ता ये टनवाल का अल्फा लाइट मॉडल आता है, ये है ये वाला। जी जी, ये वाला मॉडल है, अल्फा लाइट मॉडल है ये, और पीछे से इस तरीके से रहता है। अच्छा, और तो आगे का इसके कुछ फीचर्स बताइए, कुछ स्पेसिफिकेशन। इसमें 1-2-3 स्पीड मोड आते हैं, पार्किंग मोड है, फ़ोन चार्जर का ऑप्शन होता है, डिक्की में बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, इसकी प्रोजेक्ट लाइट है एलईडी वाली। इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस रहता है 53,000 रुपये। 53,000 रुपये ऑन रोड जी। बाकी इसकी स्पीड क्या रहती है? 70 किलोमीटर की रेंज रहती है, स्पीड वही नॉर्मल रहती है। कितने देर में, कितने किलोमीटर चल जाती है ये? एक बार की चार्जिंग में 70 से 80 किलोमीटर 70 से 80 किलोमीटर चल जाती है। 53,000 रुपये की ये स्कूटी आप देख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है मार्केट में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है टनवाल का। और इसके बाद कौन सा स्कूटर आता है? फिर उसके बाद में आता है ये हमारा मिनी लिथिनो मॉडल का नाम है, 12 इंची टायर में अपडेट, बढ़िया मिनी लिथिनो जी, डिस्क ब्रेक के साथ में, 12 इंची टायर के साथ में है, बहुत हैवी लगता है, यह सबसे कम रेंज में 55,000 रुपये में मात्र। 55,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है। और इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड वही रहती है नॉर्मल, विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ी है। नो रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, और जो इससे पहले दिखाई थी वो भी नो रजिस्ट्रेशन गाड़ी है। और कितने किलोमीटर चल जाती है? एक बार की चार्जिंग में 70 से 80 किलोमीटर 70 से 80 किलोमीटर ये भी चल जाती है, और ये मात्र 55,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है। और ये मॉडल था टनवाल का मिनी लिथिनो मॉडल का, टनवाल का मिनी लिथिनो मॉडल है ये, आप देख रहे हैं। और इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स भी मिल जाते हैं। और चलते हैं आगे, दूसरी स्कूटी कौन सी होगी? दूसरी है फिर अपना सबसे ज़्यादा टॉप वेरियंट है ये आपका अल्फा प्रो, 12 इंची टायर के साथ में, डिस्क ब्रेक है इसमें, 12 इंची टायर हैं, डिस्क ब्रेक है, विद 12 इंची टायर में और विद एक्सेसरीज है, बहुत हैवी एक्सेसरीज है, बहुत हैवी मॉडल रहता है ये। आप इसमें 1 से 1.5 क्विंटल वजन लाद के नॉर्मली चल सकते, कोई अच्छा बढ़िया प्राइस जो है वो क्या होगा? ये आपका 62,000 का आता है, ये आपकी 70 किलोमीटर की रेंज में 62,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है, और इसकी रेंज भी 70 किलोमीटर रहती है, और 100 किलोमीटर की रेंज में ये पड़ेगा आपको 70,000 रुपये का। 100 किलोमीटर रेंज में अगर आप चाहते हैं तो उसमें आपको दूसरी बैटरी दी जाएगी, और वो आपको 70,000 रुपये का ऑन रोड पड़ता है। तो ये आप वेरिएंट देखें, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वेरिएंट कौन सा होगा? ये अपना T133 मॉडल का नाम है, ये स्टाइलिश मॉडल में रहता है, बहुत ज़बरदस्त है मॉडल, क्लासिक एक्स बोल सकते हो या T133 बोल सकते हो, मॉडल का नाम है T133, सुपर बढ़िया है, रिस्पॉन्स भी बढ़िया है, ये स्टाइलिश मॉडल में आता है। ये किस रेंज में होगा? 100 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है, 75,000 है, 100 किलोमीटर की रेंज रहेगी इसमें, और आप इसको अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अगला हमारा स्कूटर रहता है येलो कलर का, आप देखें, टनवाल का रोमांस मॉडल है, रोमांस मॉडल है, वेरिएंट है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसकी रेंज क्या होगी, कितने का होगा? इसकी रेंज आपके 62,000 है, यानी कि 62,000 रुपये का है, 62,000 रुपये का है। लेड बैटरी होंगी 5, और 70 किलोमीटर की रेंज रहती है इसकी, एक बार लेड एसिड बैटरी मिलेगी, 70 किलोमीटर की रेंज रहेगी। टनवाल का जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो आप सामने देख रहे हैं, ये है लिथिनो प्रो मॉडल का नाम है, लिथिनो प्रो वेरिएंट है ये, और ये भी बहुत ज़बरदस्त मॉडल है इसकी, ये DRL रहती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, रात में जलती हैं, ये सारी DRL रहती हैं। फीचर्स क्या क्या होंगे? फीचर इसमें 1-2-3 स्पीड मोड वगैरह और पार्किंग मोड, ये सारे फीचर रहते हैं इसमें। अच्छा, इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म है अगर कोई चीज़ एंटी थेफ्ट सारे में रहता है हमारी सारी गाड़ियों में, और उससे कोई चोरी वोरी नहीं होती गाड़ी अगर आपने लगा दिया। टायर में है ये 10 इंच के टायर में है, 10 इंच के टायर में है ये स्कूटर। और इसका जो प्राइस है ऑन रोड वो क्या होगा? वो 62,000 रुपये ही रहेगा इसका भी, सही इसका भी 62,000 रुपये, थोड़ी महंगी रहती है गाड़ी, मगर इस समय 62,000 रुपये की है, इस समय थोड़ा छूट चल रही है, तो 62,000 रुपये की है। इसकी रेंज कितनी रहेगी? रेंज 70 किलोमीटर की रहेगी, और 100 किलोमीटर की रेंज में चाहिए आपको तो ये पड़ेगा आपको 70,000 रुपये का, 100 किलोमीटर की रेंज में आपको 70,000 का पड़ेगा। बस क्या होता है बैटरी चेंज कर दी जाएगी। अगला हमारा होगा ये फिर वो आपका अल्फा लाइट मॉडल है, जो अंदर आपने देखा था वही मॉडल है ये, एक्सेसरीज इस तरीके से लगती है इसमें, पतली वाली बहुत ज़बरदस्त लगती है, इसमें डिक्की में भी मैंने बताया था स्पेस बहुत रहता है, ये आपकी डिक्की में भी स्पेस दिखा देता हूँ, इसकी डिक्की में स्पेस बहुत रहता है इस प्रकार से। हाँ, इसकी डिक्की अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है जी, और इसमें इस तरीके से एक्सेसरीज गार्ड लगता है तो बहुत अच्छा लगता है,
और ये सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे कम प्राइस में है। इसका प्राइस क्या था? ये 53,000 रुपये का। 53,000 रुपये में आप देखें, और इसमें काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा तो ये देखें आप पूरी स्कूटी। एक सबसे अहम और ज़रूरी बात हम पूछते हैं कि जो भी आपने स्कूटर दिखाई है अभी, तो इनका जो बैटरी चार्जिंग टाइम है वो कितना रहेगा? चार्जिंग टाइम रहता है आपका 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे लेड एसिड बैटरी का। और लिथियम बैटरी का कितना रहता है? लिथियम बैटरी में तो 4 घंटे के आसपास रहता है। आपको अगर लिथियम में चाहिए तो लिथियम में भी मिल जाता है, लिथियम भी मिल जाती है। तो दोनों बैटरी का इन्होंने लेड एसिड में तो दोनों बैटरी का इन्होंने चार्जिंग टाइम बता दिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको टनवाल इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ वेरिएंट, कुछ मॉडल दिखाए, उनके प्राइस स्पेसिफिकेशन बताए। तो अगर आपको इनमें से कोई सा भी स्कूटर अच्छा लग रहा है या फिर आप इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस टनवाल के शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि पीलीभीत बाईपास रोड बरेली में है ये शोरूम। और यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिस्टर नदीम मिलेंगे, आप इनसे बात कर सकते हैं। बाकी इनका अपना खुद का ही सर्विस सेंटर है बराबर में, तो ये वहाँ पर अपने ही स्कूटर की आप सर्विस करवा सकते हैं, और किसी भी कंपनी का स्कूटर हो तो सर्विस करवा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ जनरल पर्पस के लिए बनाई गई है, जिससे कि आपको घर बैठे स्कूटी के बारे में जानकारी मिल सके। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, और जब भी स्कूटर या बाइक राइड करें तो हेलमेट का यूज़ ज़रूर करें।